नमस्ते, मैं हूं संग्राम सिंह रेसलर और मैं आज आपको बता रहा हूं एक बड़ी अच्छी चीज जिसको बोलते हैं सेल्फ अभंगा, यानी खुद से मसाज करना। और इसके बहुत फायदे हैं। इसके फायदे तो इतने हैं कि मैं क्या बताऊं। अगर आप सप्ताह में एक दिन नारियल का तेल या तिल का तेल, सिसमी ऑयल या कोकोनट ऑयल, गर्मी में बल्कि अच्छा ही रहेगा कि आप नारियल का तेल लो, कोकोनट ऑयल लो, अगर आप ये सेल्फ अभंगा करते हैं, अपनी खुद से मसाज करते हैं सप्ताह में एक बार, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है कि दूसरे से मसाज करवाना सेफ है नहीं, तो इससे क्या फायदा होगा। सबसे पहले तो आपकी जो ज्वाइंट है वो परफेक्ट रहेंगे, दूसरा आपकी जो स्किन क्वालिटी है वो सही रहेगी, तीसरा क्या है कि आप यंग रहोगे, और चौथा क्या है कि आपका जो जिसको नींद नहीं आती ना, इंसोमनिया वगैरह है, वो दूर हो जाएगा। पांचवा क्या है कि ज्वाइंट में कोई पेन होता है नॉर्मली होता है, ड्राइनेस होता है, तो वो खत्म हो जाएगा। और छठा मैं कह रहा हूँ कि आपको जो वायरस चल रहे हैं, बाकी नॉर्मली रोग हैं, स्किन डिजीज हैं, ये सब होगा नहीं। और सातवा, ये आपको बहुत प्रोटेक्ट रखेगा, 80-90 साल तक जवान रहोगे। तो मैं आपको बताऊंगा, देखो आप मसाज तो बहुत करते हैं, घर पे भी करते हैं, बाहर भी करते हैं, मगर मैं सही तरीके से आपको मसाज करना आज मैं सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा। तो ये ऐसे आप मसाज करो घर पे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ अभ्यंगा, इसमें खुद से मसाज करना, इस तरीके से करो। आप ऐसे बर्तन ले लो, तेल अपना गर्म कर लो और साथ में वो पानी डालो। देखो मैंने पानी में ही बर्तन छोड़ रखा है, दो बर्तन रखो अपने किसी भी उसके बर्तन, तो मैंने जैसे मान लो इसमें ले लिया ये, तो ऐसे दो बर्तन मैंने तोड़ लिया। सबसे पहले हमें क्या है, बहुत से क्या करते हैं कि फिट में मसाज करते हैं, फायदा कहाँ होगा, फायदा हम जाऊंगा, फायदा पहले हमें सबसे पहले हेड में मसाज होना चाहिए। हेड में आराम आराम से आपको पूरा मसाज करना है, और बॉडी में मसाज क्लॉकवाइज करना है, कोशिश करो ऐसे सिर में भी जैसे नॉर्मली आप कर रहे हैं आराम आराम से, कि आपके बाल वाल ये टूटे नहीं, रूट स्ट्रॉन्ग रहे। तो सिर पे मसाज आप 5-7 मिनट करो, फिर उसके बाद तेल लो अपने नेक पे, नेक से पहले आप यहां भी कर सकते हैं, पहले आप यहां आए, फिर आप यहां आए, और थोड़ा सा तेल ये छोटे वाली उंगली से अपने कान में जरूर डाल लो, यहां पे लगाने के बाद, यहां पे लगाने के बाद, तो उससे क्या है कि जो भी थोड़ा बहुत इंफेक्शन होने के चांसेस होंगे वो खत्म हो जाएगा। सॉफ्टली जेंटल हैंड से यहां पे करना है, ऐसे ही आपको अपने कान में करना है, फिर उसके बाद आप गर्दन पे आ जाओ। गर्दन पे देखो ये अपोजिट साइड, किसी की कोई एलर्जी है तो अपोजिट साइड करेंगे तो थोड़ा सा फुंसी होने के चांसेस है, तो कोशिश ये करो, ये करो, पीछे तेल लगा लो। उसके बाद आ जाओ आप ज्वाइंट पे, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आना है मसाज करते हुए, तो ये फायदा देगा आपको। देखो याद रहे ज्वाइंट पे आपको क्लॉकवाइज मसाज करना है, जिस घड़ी जैसे घूमती है ना वैसे, और यहां पे हर ज्वाइंट पे वैसे ही मसाज करना है। बाकी आप
नॉर्मली मसाज कर सकते हो। तो ज्वाइंट है उनका स्पेशली ख्याल रखना, उन पे क्लॉकवाइज मसाज। फिर आप आ जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे काम कैसे करना है, हमें क्लॉकवाइज मसाज करना है, क्लॉकवाइज। फिर हम आ गए यहां पे, तेल डालो, क्योंकि क्या है कि नाभि से सब कुछ चलता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो सारा खाना नाभि से मिलता है, तो इस चीज में ऑयल जरूर डालो। फिर आपने ये आपने किया, क्योंकि मैं आपको वो दिखा रहा हूं डेमो, अगर मैं प्रॉपरली मसाज करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके आधार पे फिर आप अपने हिसाब से 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो जिसके पास टाइम हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब क्या करना है, खुद बैक का आपका ये हाथ पोछता है, ये करो, फिर आप ये लोअर बैक में लगा लिया, फिर आप ऐसे बैक पे जितना पूरा पहुंचा के फिर आप बैक का पूरा मसाज कर सकते हैं, ऐसे आपका हाथ होकर के लोअर बैक पे, अपर पे, बीच पे। फिर उसके बाद आ गए हम थाइज पे, थाइज पे हमने किया वही, फिर ज्वाइंट पे, फिर ज्वाइंट पे हमेशा ऐसे ही मसाज करना है क्लॉकवाइज। और फिर हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा पॉइंट होते हैं ना वो तलवे पे होते हैं, तलवे की मसाज आप प्रॉपरली उंगली करके ये करके इनमें प्रॉपरली अच्छे तरीके से, और ये ताकि आपका इससे इस मसाज से फायदा क्या होता है कि जो बीपी वगैरह ये सब होता है ना वो सब भी कंट्रोल में रहता है, मेंटेन रहता है। तो आपने ये किया, फिर आपने ऐसे ही हम आ गए, हमने दूसरे उस पर किया, फिर ज्वाइंट पे वही सेम, और जैसे मैं काफी प्रैक्टिस करता हूँ ग्राउंड में, बाकी कई जगह ट्रैक पे कभी नंगे पैर दौड़ता हूँ, तो क्या है कि फिर ये मसाज, ये जरूरी नहीं कि मसाज खाली स्पोर्ट्स पर्सन करना है, मसाज सबको करना है, ये खाली स्पोर्ट्स पर्सन के लिए नहीं है, या जो वर्कआउट करते हैं सबके लिए है ये। तो ऐसे 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट जितना भी आपके पास टाइम है, 1 आवर अपने शरीर को दे दो ना, 5-5 मिनट हर जगह कर लो, 10-10 मिनट हर जगह कर लो, पार्ट पे। तो आप ज्यादा फिट, ज्यादा फ्रेश और हमेशा यंग रहोगे। तो ये सेल्फ अभ्यंगा यानी खुद की मसाज सप्ताह में मिनिमम घर पे एक बार जरूर करो, चाहे लॉकडाउन है या नहीं है, ये तो आप कर ही सकते हैं ना। नारियल का तेल लो गर्मियों में और तिल का तेल लो सर्दियों में, यानी कोकोनट ऑयल इन समर सीजन और सिसमी ऑयल इन विंटर सीजन, आप ये लेके कर सकते हैं, और थोड़ा सा टाइम है और इसको एंजॉय मानो, क्योंकि आप अपने ही खुद की मसाज कर रहे हो, किसी दूसरे की थोड़ी कर रहे हैं। तो इससे आप स्वस्थ रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं। नमस्ते।